आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आप लोग आपके लाइफ में क्या करना चाहते हैं? मुझे पता है हर कोई सोचेंगे कि जॉब करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि बिजनेस करना है। तो अगर आप लोगों को मैं सुंदर पिचाई या सचिन तेंदुलकर के फोटो दिखाऊं तो आप लोगों की शायद दिमाग चेंज हो जाएगा और आप लोग बोलेंगे कि नहीं, हमें एम्प्लॉय बनना है। आप लोगों को पता है सुंदर पिचाई यानी गूगल की सीईओ है, तो उनका सैलरी क्या आप लोगों को पता है? तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उनका एनुअल सैलरी है 1700 करोड़ रुपया। जी हाँ, 1700 करोड़। चलिए मैं आप लोगों को सुंदर पिचाई के बारे में बताता हूँ। उनका जन्म इंडिया में कर्नाटक स्टेट में हुआ था। तो वे जब बहुत मेहनत किया और गूगल ने चांस मिला उनको जॉब करने के लिए, तो वहाँ पर चले गए। जाने के बाद उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना लिए थे वहाँ पर। क्रोम को भी उन्होंने बनाया था बहुत सारे उनकी साथियों को लेकर। तो क्रोम इंडिया बहुत पूरा वर्ल्ड में एक दिन में ही फेमस हो गया था। फिर मैं आप लोगों को एक मजेदार बात बताऊंगा, जब ध्यान से सुनना। तो एक ही बात है, सुंदर पिचाई सर को और उनकी पत्नी को किसी के घर पर इन्वाइट किया गया था। तो पत्नी ने सर दर्द कर रेडी हो गए थे, लेकिन सुंदर सर अपने सिस्टम में यानी लैपटॉप में हो चुके थे, तो काम में बिजी थे। तो उन्होंने बताया, उनकी पत्नी को बताया कि आप चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो कुछ टाइम बाद सुंदर सर को याद आया कि नहीं, उनको इन्वाइट पर जाना है। तो उन्होंने क्या किया, रेडियो कर उनकी गाड़ी लेकर निकल गए और रास्ते में जाकर रास्ता भटक गए, यानी जो घर में उनका इनवाइट था वहां पर वे पूरी तरह से भूल चुके थे कि वो घर कौन सा है जहां पर उनको इनवाइट किया गया था। बाद में उनकी पत्नी घर पे चले आए, रुककर घर पे आकर उनका वेट करने लगे। उन्होंने जब घर पे आया, सुंदर पिचाई सर भी घर पे आ गए थे, बहुत रात हो चुका था उस टाइम। तो घर पे आकर देखा कि पत्नी बैठा है रुककर, तो उनको बताया कि तुम कब चला आए हो यहाँ पर। तो अमेरिका का बात था, जो सेम टाइम में अगर कोई नहीं जाता है तो खराब हो जाता है सब कुछ। तो उनकी पत्नी भी रूठ चुके थे और वे भी पूरी तरह से रूठ गए थे उनकी पत्नी की हालत देखकर। तो बाद में उनको एक तरकीब सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा एक डिवाइस बनाऊं जिसकी मदद से मैं इस दुनिया में कहीं पर भी जा सकूं उस डिवाइस से। तो उसके बाद ही उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और गूगल मैप को बना चुका था, जिस गूगल मैप को हम लोग हर दिन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। इसको गूगल मैप की बहुत सारी चर्चा होती थी, बहुत पूरी दुनिया में गूगल मैप को लगातार हर कोई यूज़ कर रहे थे। लेकिन उस दिन वहाँ के समय में उनको चाइना में कुछ काम के लिए जाना पड़ा था। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि चाइना के लोग चाइनीज बात बोलते हैं, वहाँ से आओ ऐसे बहुत सारे वहाँ से आओ वहाँ का मतलब उनकी भाषा है मुझे भी मालूम नहीं, तो उनको भी मालूम नहीं पड़ा था। तो उन्होंने बहुत पूरा मायूस हो गए थे, मैं इतना काम करता हूँ गूगल का सीईओ लेकिन एक भाषा एक लैंग्वेज मुझे पता नहीं। कुछ काम के लिए चाइना गए थे लेकिन वो काम को कंप्लीट ही नहीं कर सके थे, लेकिन क्योंकि चाइना की भाषा उनको आता ही नहीं था, तो वे अमेरिका में लौट गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने गूगल डिक्शनरी बनाया, जिसकी मदद से पूरी दुनिया हर कहीं पर भी जाकर हम लोग उस दुनिया की बात को, उन लोगों की बात को समझ सकते हैं गूगल डिक्शनरी में, और हम ट्रांसलेट करके हमारी भाषा में बदला भी सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो सुंदर पिचाई को झेलना पड़ा था और उनकी लाइफ में सक्सेस भी ऐसे दौड़ के आए थे। ये तो थी सुंदर पिचाई सर की कुछ बातें। अभी मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताऊंगा, ध्यान से सुना। ये बात हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति के अंदर पागलपन रहता है, कुछ करने की पागलपन रहता है, वही हिस्ट्री बनाता है, वही इतिहास रच के जाता है। ये बात ध्यान से सुनना और अपने मन में ये बात को फैला देना कि अपने अंदर अगर पागलपन नहीं होगा तो हम कोई भी काम को कर नहीं सकेंगे और लाइफ में सफल भी नहीं हो सकेंगे। तो कुछ पागलपन लाओ अपने अंदर कर दिखाने के लिए, तभी तो आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।